हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक आपने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देखा होगा। स्टेप डाउन, हम वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं, लेकिन हम स्टेप अप करके दिखाएंगे इस दो इस ट्रांसफार्मर से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, तो चलिए फटाफट इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं और वीडियो के साथ में बन रहे हैं। और मैं इस प्रोजेक्ट में स्टेप अप करके इस LED बल्ब को जलाऊंगा, ठीक है। आपको दिखाऊंगा कि कितना हमारा स्टेप अप करके वोल्टेज निकल रहा है DC से AC। तो फटाफट इस वीडियो के साथ में बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें दो ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो है ट्रांसफार्मर, ये 2 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है। और ये देखिए, 14 वोल्ट आउटपुट निकाल रहा है ये ट्रांसफार्मर, 15 वोल्ट तक, लगभग 15 वोल्ट, ठीक है। तो इसी से, इस ट्रांसफार्मर से हम ये जो 3 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है, इससे हम स्टेप अप करेंगे वोल्टेज को। और ये जो इसका मेन AC है, जिसमें हम इनपुट देते हैं, इससे हम आउटपुट लेंगे, ठीक है। और मैं इस LED बल्ब को भी जला के दिखाऊंगा और वोल्टेज मेजर करके भी दिखाऊंगा आपको। तो चलिए, इसमें करना क्या है आपको, ये जो तीन जो ट्रांसफार्मर के जो हम आउटपुट जो हम यूज करते हैं, इसमें ये 0 और 12 वाले वायर को यूज करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 0 और 12। फ्रेंड्स, बाहर से आवाज़ आ रही है तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। ये देखिए, हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, एक मिनट। इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए स्पार्किंग हो रही है। तो ये मैंने इसको कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये जो हमारा वायर है, ट्रांसफार्मर का आउटपुट वायर, इसमें हमें AC सप्लाई मिल रहा है। चलिए, इसको हम मेजर कर लेते हैं अपने मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर मैंने यहाँ पे सामने ही रख दिया है, और देखिए ध्यान से करना होगा, नहीं तो आपको शॉक लग सकता है। ये देखिए कितना वोल्ट निकल रहा है, 183 वोल्ट। अब देख सकते हैं 183 वोल्ट हमें आउटपुट निकल रहा है, 190 वोल्ट तक। तो ये हमारा क्या हुआ, स्टेप अप हो गया। चलिए, हम इसको अब इस आउटपुट को हम एक LED के साथ में कनेक्ट करके देखते हैं कि LED चलता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरे पास सिस्का का LED है, ये 9 वाट का LED है, आप देख सकते हो, ये 9 वाट का LED है। तो हम इसे कनेक्ट करके देखते हैं। ये देखिए, ध्यान से इसको कनेक्ट करना होगा। मेरे पास होल्डर मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। तो ये देखिए, हमारा बल्ब जलने लग गया है। ये देखिए, ये लाइव मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कोई फेक वीडियो नहीं है, ये लाइव आप देख रहे हो। देखो, ये बल्ब कितना अच्छा ग्लो कर रहा है। ये देखो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना सही ग्लो कर रहा है। एक मिनट, मैं सामने से, कैमरे के सामने दिखा रहा हूँ। मैं होल्डर यूज नहीं कर रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह से बल्ब को रख देते हैं, इस तरह से बल्ब को मैंने रख दिया और यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए देखिए कितना अच्छा ग्लो कर रहा है, देख रहे हैं। जैसे जैसे मैं हटा रहा हूँ, फिर इसको टच कर रहा हूँ, तो टर्मिनल कैसे बल्ब ग्लो कर रहा है, कितना अच्छा। तो फ्रेंड्स, आउटपुट मैं फिर से आपको चेक करा देता हूँ कि आउटपुट हमारा कितना निकल रहा है। तो एक मिनट, इस तरह से, बहुत ही डेंजरस वर्क है, ध्यान से करना होगा, नहीं तो आपको शॉक लग जाएगा। ये देखिए मल्टीमीटर पे, देखिए 184-185 वोल्ट। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया, ये कंप्लीट कि हमारा स्टेप अप हो रहा है। हम किसी भी ये छोटे ट्रांसफार्मर से, और यहाँ पे आपको शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट, ये भी AC ही है, लेकिन यहाँ पे आपको शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। और ट्रांसफार्मर की ये जो 12 वाला है, 12 12, इससे भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि कितना वोल्ट निकल रहा है। तो चलिए, इसको हटा लेते हैं
और ये जो ट्रांसफार्मर का एक वायर आप देख रहे हैं यहाँ पे कनेक्ट है, और दूसरा ये वाला, इसमें भी स्पार्किंग हो रही है लेकिन बहुत कम स्पार्क हो रहा है। तो चलिए इससे भी देख लेते हैं कि हमारा एलईडी इससे कितना वोल्ट निकल रहा है। तो पहले हम आउटपुट को चेक करेंगे यहाँ पे ट्रांसफार्मर के दोनों, तो ट्रांसफार्मर के दोनों चेक करते हैं। ये देखिए वहाँ पे 99 98 यानी 100 वोल्ट निकल रहे हैं। तो चलिए एलईडी को भी चेक करके देख लेते हैं, इससे थोड़ा कम निकल रहा है। ये वाइंडिंग पे डिपेंड करता है, ये जो ट्रांसफार्मर के टर्न है उस पे डिपेंड कर रहा है। तो चलिए हम एलईडी को चेक करके देखते हैं, तभी एलईडी चल रही है लेकिन बहुत ग्लो नहीं कर रही है जिससे जो पहले कर रही थी, क्योंकि वोल्टेज हमारा कम आ रहा है, वोल्टेज हमारा कम आ रहा है। एम्पियर सही है लेकिन वोल्टेज कम आ रहा है, फिर भी सही है दोनों। तो आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि आप ये जो 12 वाला है, 0 और 12, वही स्टेप अप के लिए आप यूज कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन ये तरीका मुझे काम में आया स्टेप अप करने का। और 100 वाट का बल्ब नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आपको वो भी चेक करके दिखा देता। 100 वाट का बल्ब से भी मैं आपको चेक करके दिखाता कि हमें कितना मिल रहा है। और एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, जब भी आप स्टेप अप कर रहे हो तो आपके ट्रांसफार्मर में कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए, वरना आपको शॉक लग सकता है। ये मैं एसी पे वर्क कर रहा हूँ तो आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपको शॉक लग सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे में इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू।